इंदौर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन रिहर्सल आरंभ हुआ। शहर के 3 अस्पतालों में इसका ड्राई रन किया जा रहा है, जहां सुबह करीब 9 बजे से हुकुमचंद पॉली क्लिनिक, लाल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और राजश्री अस्पताल में वैक्सीनेशन का ड्राई रन चल रहा है। वैक्सीन के ड्राई रन रिहर्सल के दौरान इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी हुकुमचंद अस्पताल में टीका लगवाया। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि शहर के 46 प्राइवेट अस्पताल जो कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे हैं, उन्हें कोरोना वायरस के नष्ट होने वाले वैक्सीन उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। शहर में करीब 100 से अधिक सेंटर बनाने की कोशिश जारी है। इंदौर से सतीश शर्मा के साथ इंदौर ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। किस प्रकार से आदमी व्यक्ति आएगा, उसका मैसेजिंग किस लेवल पे चेक होगा? पहले काउंटर मैसेज चेक होगा, सेकंड में उसके चेक, थर्मल चेक और ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक होगा, प्लस जो ऐप है, कोविड का एक ऐप बना हुआ है, उसमें एंट्रीज होंगी। उसके बाद फिर वो जाएगा वैक्सीनेशन सेंटर पे रूम में, और वैक्सीनेशन के बाद जो यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन रूम है, यहाँ पर आके बैठेंगे 30 मिनट तक। और सेकेंड स्टेज में ये सजेस्ट किया है हमने कि वहाँ पर एक स्लिप रखी जाए, क्योंकि पहला टेबल रहेगा बेसिक चेक करने का कि उसको भी मैसेज हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका नाम है कि नहीं है, मैसेज चेक किया जाएगा। सेकेंड जो रहेगा उसमें कोविड के ऐप में जो एंट्रीज की जाएंगी उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगे उसके, और उस वहाँ पर हम लोग एक स्लिप का ऐड किया है कि वहाँ पर एक सील लगा करके जो सेकंड काउंटर पे जो भी हमारे पैरामेडिकल स्टाफ रहेंगे वो स्लिप देंगे, ताकि जो वैक्सीनेशन में जाएगा कमरे में तो वहाँ पर कंफर्म रहे वैक्सीनेटर को कि ये स्लिप का तात्पर्य ये है कि सब जगह उसके चेकिंग हो गई है, सारी एंट्रीज हो गई हैं और ये व्यक्ति जो है वो वैक्सीनेशन रेडी है। इतना माइनर चेंज किया है, बाकी व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर CO जिला पंचायत हमारे हिमांशु जी पूरे ज़िले में वैक्सीनेशन के पूरा चार्ज देख रहे हैं इस समय, तो 4 जगह इन लोगों ने तैयारी की है और अच्छी तैयारी है। और हम लोग का प्रयास ये है कि शहर में जो 46 कोविड जहां प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड के ट्रीटमेंट्स हो रहे थे, उन अस्पतालों में अनिवार्यतः हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए। इसके अलावा गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ मिला करके 100 से अधिक शहर में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 100 से अधिक यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बने। उसके लिए जो भी स्टाफ रिक्वायर्ड रहेगा, नंबर ऑफ सेंटर्स से तो हम लोग 150-200 भी कर सकते हैं, एक अच्छा ट्रेंड स्टाफ रखना ज़रूरी है। 5 मिनिमम स्टाफ लगता है इसमें, एक सिक्योरिटी का इंचार्ज भी रहेगा, और 5 ऐसे सेंटर्स में एक डॉक्टर्स की टीम रहेगी। कई बार कुछ एलर्जी टाइप की होती है पेशेंट्स को, अगर ऐसा कोई पेशेंट्स को ऑब्जर्वेशन में, जिस कमरे में बैठे हैं अभी अपन, ये ऑब्जर्वेशन है, अगर किसी पेशेंट को एलर्जी टाइप की फील होगी तो जो 5 सेंटर के बीच में डॉक्टर रहेंगे पूरी टीम के साथ में, उनके पास सारा मेडिकेशन रहेगा और इमीडिएटली वो मेडिकेशन दे देंगे आकर के। इसलिए ये भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी को एलर्जी होती है, बहुत कम केसेस में होती है, नेचुरली हर वैक्सीन में होता है, इस वैक्सीन में भी होगा, उसके लिए डॉक्टर्स भी अलग से रखे गए हैं कि इमीडिएटली जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड है उसके लिए वो मेडिसिन इमीडिएटली पेशेंट को दी जा सके, व्यक्ति को दी जा सके। सर, चुनौतीपूर्ण होगा टीकाकरण अभियान जिस तरह की? मेरे ख्याल से जिस तरह से हॉस्पिटल और मेडिकल फ्रेटर्निटी का जो जुनून है शहर का, और जिस प्रकार से कोविड के मामलों में मेडिकल फ्रेटर्निटी ने और जनता ने एक साथ मिलकर चीज़ों को लड़ा है, तो मुझे लगता है कि उसी डिसिप्लिन में जनता आएगी, उसी डिसिप्लिन में मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है इंदौर की वो एक सेवा करेगी सब लोगों की, और बहुत अच्छे से और बहुत स्मूथली शहर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सर, इसमें हम आम जन का और सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लेने का विचार कर रहे हैं। अभी जो व्यवस्था की है उसमें उन्होंने मैसेजिंग करके की है, जो अभी व्यवस्था कोविड उसमें आ रही है, फाइनली व्यवस्था क्या रहती है वो देखने वाली बात रहेगी। पर कोई भी पब्लिक से जुड़ा हुआ मिशन जो है, जब तक जनता का, सामाजिक संगठनों का, जनप्रतिनिधियों का, विभिन्न जो उसमें एक रिस्पेक्टफुल लोग रहते हैं जो समाज में, जब तक इनका सबका सहयोग रहता है तो ही सफलतापूर्वक चीजें होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।